पलामू जिले में भी छठ पूजा की तैयारी श्रद्धालुओं के द्वारा जोर शोर से की जा रही है। वहीं छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए के साथ शुरुआत हो गई। पलामू जिले के डाल्टनगंज शहर समेत कई जगहों पर धूमधाम से मनाई जा रही है छठ पूजा। वहीं शहर के बाजारों में छठ पूजा की खरीदारी लोग कर रहे हैं। सूप और दोरा से बाजार पूरी तरह सजा हुआ है। वहीं नगर निगम की मेयर अरुणा शंकर, प्रमंडलीय आयुक्त जटा शंकर चौधरी समेत कई समाज सेवियों के द्वारा लोगों के बीच पूजा सामग्री और आम की लकड़ी का वितरण किया जा रहा है। वहीं नगर निगम की मेयर अरुणा शंकर, डिप्टी मेयर मंगल सिंह, SDM राजेश शाह ने छठ घाट का निरीक्षण किया और छठ घाट की साफ सफाई करवाई। वहीं नहाए खाए के पहले दिन छठ व्रती कोयल नदी और अमानत नदी में स्नान कर अपने घरों में शुद्ध भोजन की और भगवान सूर्य की आराधना की। साथ में हमारी बड़ी बहन नगर निगम के महापौर श्रीमती अरुणा शंकर जी और हमारे साथ में SDO सदर जो कि लगातार हर कार्य में सक्रिय रहते हैं श्री राजेश। आज हम लोग संयुक्त रूप से निकले हैं सभी सरकारों घाटों का निरीक्षण करने। लगभग दशहरा पूजा बीतने के बाद ही नगर निगम सक्रियता के साथ संपूर्ण घाटों में सफाई का कार्य आरंभ किया था और आज उसका फाइनल स्टेज है। सभी जगहों पर सफाईकरण हो गई है, चाहे वह DCP के द्वारा या हमारे कर्मियों के द्वारा, और उसके साथ साथ शहर में प्रत्येक रोडों में शहर के सभी लोग प्रत्येक साल छठ पूजा इतना महान पर्व है कि सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपने रोड की अपने गली की सफाई करते हैं। लेकिन इस क्रम में अभी आज हम लोग यहाँ पर गेरो स्कूल घाट में आए हुए हैं और यहाँ पर सफाई का जायजा भी ले रहे हैं, साथ साथ पानी का भी जायजा ले रहे हैं, कितने पानी की गहराइयाँ हैं और क्या क्या कमी बेची है, सारे घाटों पर निरीक्षण करके और उसको कल सुबह तक अंतिम रूप दिया। लाइट लगा के क्या व्यवस्था? लाइट जहाँ जहाँ खराब है हमारे नगर निगम के सारे टीम लगे हुए हैं, हमारे आदरणीय पार्षदगण भी लगे हुए हैं, जहाँ भी सूचना मिली है लाइट की व्यवस्था के लिए मतलब सारी जगह पर लोग उपलब्ध हैं।